कैथल में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी पहली रैली में कैथल पहुंच गए हैं। विजय संकल्प रैली के मंच पर पहुंचने पर लोगों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। वो यहां तीन विधानसभा क्षेत्रों कैथल, पुंडरी और गुहलाचिका के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को हेलीकॉप्टर कैथल पहुंचा और इसके बाद वो रैली के मंच पर पहुंचे। रैली में पहुंचने पर अमित शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। रैली को पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह सहित कई नेताओं ने संबोधित किया है। पुंडरी से भाजपा प्रत्याशी वेदपाल ने कहा कि इस बार भाजपा ने जो 75 पार का लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा। रैली के लिए सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। रैली स्थल पर भीड़ जुट गई है। मोदी ग्राउंड में हो रही रैली के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात है। अमित शाह की कैथल में ये पहली रैली है। रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पूरे रैली स्थल को भाजपा के झंडों व पोस्टरों से सजाया गया है। अमित शाह कैथल के बाद लोहारू और महम में रैलियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि रैली में मंच पर रामपाल माजरा व फूल सिंह सहित कई स्थानीय नेता मौजूद हैं। माजरा और फूल सिंह इनेलो व कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। कैथल जिले की चारों सीटों से भाजपा के प्रत्याशी भी रैली में मंच पर पहुंच चुके हैं। अभी रैली में स्थानीय नेताओं का संबोधन चल रहा है।